हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको स्टार मार्क किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की भी बात करें, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में से ही आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट या एब्सोल्यूट, मतलब एक्चुअल एड्रेस जो है ऑपरेंड का वो डायरेक्ट गिवन है किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर। मतलब जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ऑपकोड की वैल्यू मिलती है, और हमें क्या मिलता है, एड्रेस फील्ड जो है वो जनरली मिलता है। एड्रेस फील्ड मतलब जहां पे आपका ऑपरेंड पड़ा है उसका एड्रेस। तो यहां पे अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट एड्रेस ही मिल रहा है मेमोरी का जहां पे आपका ऑपरेंड पड़ा है। मतलब अगर यहां पे आपको लिखा हुआ है 400, तो इसका मतलब क्या है कि आप 400 लोकेशन पे जाओ मेमोरी की, और वहां से डायरेक्ट जो है वो डेटा आप उठा लो। लेट्स से दिस इज द 400 लोकेशन, तो 400 लोकेशन में जाओ और वहां पे जो भी डेटा यहां पे पड़ा हुआ है वो आपका क्या है, ऑपरेंड है। सिंपल सा फंडा, कोई कंप्यूटेशन चाहिए हमें यहां पे, विदाउट एनी कंप्यूटेशन हम डायरेक्ट जो है वो डेटा या अपना ऑपरेंड जो है वो यहां पे उठा लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन की, जैसे हम लिख देते हैं यहां पे एड एक्स, तो एड एक्स का बेसिकली फंडा क्या है कि अगर हमारे पास मेमोरी लोकेशन एक्स में हमें जाना है, एक्स बेसिकली क्या बता रहा है कि यहां पे हमें एक्स इज व्हाट, एनी नंबर, जैसे हमने यहां पे 400 लिखा है, 500 लिखा है, कोई भी नंबर यहां पे लिखा है, उस नंबर पे, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाओ और वहां से डेटा उठाओ और उसको एड कर दो किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। ये बेसिकली फंडा है किसका, एड एक्स का। तो अगर आपको ऐसे भी लिखा है, लेट्स से लोड 400, तो लोड 400 का बेसिकली मतलब क्या है कि आप मेमोरी लोकेशन पे जाओ, 400 मेमोरी लोकेशन में जाओ और उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दो। मतलब कोई कंप्यूटेशन नहीं चाहिए, जो वैल्यू यहां पे लिखी है वो एक्चुअल में आपका एड्रेस है ऑपरेंड का। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, वो एड्रेस जहां पे आपका डायरेक्ट ऑपरेंड पड़ा है। तो इस केस में अगर हम बात करें इफेक्टिव एड्रेस की, तो आपको कोई कंप्यूटेशन नहीं चाहिए क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है। तो अगर हम बात करें इस एड्रेसिंग मोड का बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट है यहां पे सिंपल है, कोई कंप्यूटेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें एड्रेस मिल रहा है जहां पे हमने ऑपरेंड को उठाना है। दूसरा बेनिफिट यहां पे क्या है, यूज टू एक्सेस द वेरिएबल्स। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, और वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो जनरली कहां पे स्टोर होती है, मेमोरी के अंदर। और जैसे कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं, तो वेरिएबल्स के अंदर जो भी डेटा है वो हमें एग्जीक्यूशन टाइम पे जनरली पता लगता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को हम एक मेमोरी लोकेशन दे देते हैं, उस मेमोरी लोकेशन में जो भी हमने काम करना है, एड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी हमें ऑपकोड करना है, वो हम बेसिकली उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे जब भी हमें वेरिएबल्स के ऊपर काम करना है तो तब हम यूज करते हैं किसका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेमोरी का ही एड्रेस दिया है और वेरिएबल्स जो है वो जनरली मेमोरी के अंदर ही आपके स्टोर होते हैं। अगर हम बात करें यहां पे डिसएडवांटेज की, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका कोई डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ, अगर हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स्ड है, मतलब इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स्ड है तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या, लेट्स से इंस्ट्रक्शन का साइज है 12 या 16 बिट्स। अब 16 बिट्स में लेट्स से 4 बिट है आपकी फिक्स्ड किसकी, ऑपकोड की, तो एड्रेस फील्ड के लिए आपकी कितनी बची, 12 बिट्स बची। तो यहां पे मतलब क्या है कि आपका जो भी मेमोरी एड्रेस यहां पे दे रहे हो, वो 12 बिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में लिमिटेशन यहां पे है, क्योंकि हम डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं तो एड्रेस की वैल्यू इससे ज्यादा अगर बड़ी होगी तो एकोमोडेट नहीं होगी। या आप उसको ये भी बोल सकते हो, आपकी जो भी मेमोरी होगी, इस केस में मैं बात कर रहा हूं, तो उस मेमोरी में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, वर्ड्स मतलब कितनी लोकेशंस होंगी, 2^12 - 1, मतलब 0, 1, 2 करते करते लास्ट लोकेशन कौन सी होगी, 2^12 - 1। या आप ये भी कह सकते हो 2^12 क्या होता है, 4096, तो यानी 0 से 4095 तक ही लोकेशन आ सकती है। अगर आपकी मेमोरी इससे ज्यादा बड़ी है तब आप यहां पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, फिर आप लाइक रजिस्टर मोड को यूज कर सकते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड को बेसिकली यूज कर सकते हैं, तो वहां पे ये चीज हम अकोमोडेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थैंक यू।